हाँ यस सर, नमस्कार, हम हैं जय यादव, ये हैं ऋचा दीक्षित और ये हैं खुशी। हम लोग अमानत फिल्म की शूटिंग के सेट पे हैं और एक गाना चल रहा है बहुत ही प्यारा सा गाना, और ये हमारी प्यारी बिटिया बहुत नटखट है। शादी कब हुई? शादी 3 महीने पहले लॉकडाउन में। मतलब किससे हुई वो तो पूछ लीजिए, किससे हुई नाम बताइए। कैसे हुई ना आपकी? हाँ अभी कोई अच्छा सा पोस्ट जाने वाला था, कल क्या बोल रहे थे? अरे मेरी अभी शादी हुई तभी बच्चा हुआ ना। 7 साल पहले। लेकिन इनके साथ मेरी तीसरी फिल्म है, हालांकि को आर्टिस्ट ये दूसरी फिल्म में है, दो फिल्मों में को आर्टिस्ट नहीं थी। नहीं एक्चुअली चौथी फिल्म है देखा जाए तो, और एज ए को आर्टिस्ट ये दूसरी फिल्म में। मैं इनको बहुत एज ए फ्रेंड बहुत पसंद करता हूँ, और एज ए मैं बोलने वाला था, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो फिर इसका मैंने कोई अलग ना निकाले, इसके लिए मैंने बोला एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी है, कानपुर वाली है, थैंक यू, और थोड़ी दबंग टाइप की भी है। थैंक यू। तो ऋचा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, और अपने को आर्टिस्ट के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। मेरी अमानत तो मेरी स्क्रिप्ट है, और इस फिल्म में मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे पति देव जी हैं, और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी दूसरी शादी मैंने इनसे कर ली है। अभी कल परसों हुई हमारी शादी। हाँ। तो बस यही, जो पहले शादी हुई है अब उनको तकलीफ ना हो, अब वो जा सकते हैं कहीं भी घूमने फिरने के लिए। हाँ, 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 जा सकते, आपकी पहली शादी कब हुई है, दूसरी शादी अगर है तो? मेरी पहली शादी 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। रियल वाली या फिल्मी वाली? रियल वाली। ये दूसरी रियल वाली शादी हो गई है, दूसरी। और उपहार में मतलब अमानत के रूप में ये इन गिफ्ट इनसे बेटी, बेटी मिल गई हम लोग को। ये बहुत खुश लग रही है। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा ये बताओ बेटा, पापा और मम्मी में किसी को नंबर देना हो तो किसको सबसे ज्यादा नंबर दोगे, पापा को या मम्मी को? पापा। पापा नहीं बेटा, आपके पास चॉइस नहीं, आपको एक ही को देना है। एक ही को देना है पापा, एक ही को देना है पापा। पापा पापा ओ पापा।